तो इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है बहुत तंग, मतलब आप बहुत खैर करें एक इंसान के साथ, आप बहुत निटिग्रिटीज के अंदर जाके एक इंसान के साथ खैर करें, वो तकल्लुफ के साथ खैर करें, और आपको जवाब के अंदर हमेशा क्या मिले, मतलब खैर कर करके थक गए, मुंह बना हुआ है। तो आप भी सोचोगे कि यार कि तुम्हारे अंदर कोई रहम नामी चीज नहीं है, और अल्लाह ताला ने ये सब चीजें दुनिया के अंदर हर अच्छे इंसान के साथ रखी होती है। अगर आपके साथ कोई पैड़ी हो रही है ना, पंजाबी वर्ड इज पैड़ी, प्रॉब्लम आ रही है, मीन्स यू आर अ गुड ह्यूमन बींग, ठीक है, या तो बहुत अच्छे इंसान है या बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है, मतलब बहुत नेगेटिव इंसान है, जिस वजह से आपके साथ ये सब चीजें हो रही है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपके करने के इश्यूज के। तो ये जो पॉजिटिव थिंकिंग ना, ये सबसे मुश्किल चीज है, इतनी मुश्किल है, मैं कहता हूँ इतनी मुश्किल है, और लेकिन जिस दिन ये आ गए ना आपके पास, ये सोचने का, देखने का ये पर्सपेक्टिव आ गया आपके पास, अब क्या होगा, आपने सुना होगा लोगों को ना कोई न्यूज मिलती है उनका हार्ट अटैक आ जाता है, क्यों पता है क्यों, सबर की बहुत कमी होती है, वो इतनी बड़ी न्यूज का इंटेक ले नहीं सकते, छोटा सा दिल होता है, छोटा सा गुर्दा होता है उनका, वो कैपेसिटी नहीं होती, और न्यूज इतनी बड़ी आई भी होती है, जब इतनी बड़ी न्यूज है और इतना सा दिल है, इतना सा गुर्दा है, तो ऑब्वियस बात है उसने ब्लास्ट नहीं करना, तो क्या करना है। तो अब आप सोचें जिस दिन आपको अल्लाह ताला ने ये ताकत दे दी कि बुरी से बुरी चीज भी आपके सामने आ जाए, वर्स से वर्स सिनेरियो भी आपके सामने आ जाए, और आप उसके अंदर से क्या निकाल लें, पॉजिटिव एलिमेंट निकाल लें, मतलब समझ रहे हैं आप इसका, इसे कहते हैं नबवी प्रोफेटिक मेथड्स हैं, प्रोफेटिक, ये अल्लाह की तरफ से चीजें दी होती हैं, और युतिल हिकमा, दिस इज द विजडम, हिकमा युतिल हिकमत मन यशा, जिसको ये हिकमत मिल गई फकद उतिया खैरन कसीरा, ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा खजाना है जो दुनिया में किसी इंसान को इतनी आराम से नहीं मिलता, ये अल्लाह ताला जो एक इंसान को दे देता है वो पर्सपेक्टिव, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, मतलब नेगेटिविटी के अंदर से भी क्या निकालना, पॉजिटिविटी निकालना। अल्लाह के रसूल को इस तरह हुक्म दिया था ताइफ वालों के लिए, हुक्म दे दो पहाड़ों के फरिश्ते यूं कोलैप्स कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा, रेजा रेजा खत्म खत्म हो जाएगा। तो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव पता क्या होता है, कि अपने दुश्मन से भी खैर निकाल लेना, दुश्मन होना अच्छी बात है इस दुनिया के अंदर, नेगेटिविटी होना अच्छी बात है इस दुनिया के अंदर, ये मुसीबतें होना अच्छी बात है इस दुनिया के अंदर, लेकिन इनवाइट नहीं करनी, दुआ नहीं करनी, अल्लाह मुझे बुखार दे दे, मेरा एक्सीडेंट करा दे, ये नहीं होना, लेकिन उनका होना अच्छा है गॉडली पर्सपेक्टिव से, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से उसका होना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि अगर वो ऑपोजिट नहीं हुआ गुड और बैड वाला, आज कराची में थोड़ी बहुत ठंड आने वाली है और पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में बहुत ठंड है, तो वो चीज पता कैसे चलती है हमको कि वो ठंड है और मौसम थोड़ा गर्म है, कैसे पता चलता है, उनके ऑपोजिट की वजह से, तभी अरबिक का एक उसूल है तौरफुल अशिया बिअज़दादिहा, चीजें उनके ऑपोजिट की वजह से पहचानी जाती हैं। अगर आप ऑपोजिट निकाल देंगे, परफॉर्मेंस के अंदर भी देख लें, एक इंसान की परफॉर्मेंस को अगर जो है ना क्वांटिफाई करता है तो किस चीज से करता है, जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता, एक इंसान जब नहीं उठ रहा होता तब उसको पता चलता है मेरी परफॉर्मेंस के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, वो जो नेगेटिविटी है, वो जो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज है, तो नेगेटिविटी होना इंसान की लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों, उससे पता चलेगा कि पॉजिटिविटी कितनी है।